मुशायरा वो कभी नहीं खत्म होने वाला, अब एक इबादत घर आ रहा है इस वक्त, इंशाल्लाह और किसी को नहीं देंगे। हमारे एक मेहमान है अरशद कासिम और नजदीक, वो आएंगे और अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं यहाँ जब मेरी हाजिरी हुई तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने यहाँ अपनी तरक्की के लिए आया हूँ। यहाँ उन्वान दिया गया है उर्दू अदब व सकाफत की तरक्की में ढाका का नवाब ख़ानदान का क्या शराकत थी, क्या किरदार उनका रहा इस सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस गर्ज से यहाँ हाजिर होने का जो सआदत मुझे मिली है, इसका शुक्रिया मैं नज़ीरुद्दीन साहब ढाकैया, जिनसे हमारा रابطہ हुआ है ऑनलाइन के ज़रिए से, उन्होंने मुझे दावत भेजे हैं। ये उनका करम है, वो हम पर करम फरमा है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोग सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात, मैं एक एहसास आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हमने जो इस सरज़मीन में, जो इस इदारे में, जो दानिशगाह है हमारे मुल्क के, इस वतन अजीज़ के सबसे बड़ा दानिशगाह ये है ढाका यूनिवर्सिटी। ये ढाका यूनिवर्सिटी, यहाँ जो उन्वान दिया गया है नवाब ख़ानदान का शराकत, उनका क्या किरदार रहा, सबसे बड़ी दलील तो ये है कि उन्होंने ये अजीम जो दानिशगाह है हमारे वतन के लिए, हमारे अहले वतन के लिए, वतन अजीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए और इल्म के लिए, उन्होंने ढाका जैसी इदारा, ढाका जैसी यूनिवर्सिटी हमें तोहफे में दिए हैं। ये उनका सबसे बड़ा किरदार है, सबसे बड़ा शराकत है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमारे जो एक मेहमान थे, उन्होंने बताए हैं कि 600 एकड़ ज़मीन उन्होंने ढाके के लिए दिए हैं। एक तो मजहबी है, जो हम जिसको धर्म कहते हैं, मजहब, और आयन हमारे यहाँ आइंदा मौजूद है, ब्रिस्टर साहिबा यहाँ मौजूद है, उन्होंने बताए हैं, और बता भी सकेंगी कि मजहबी एतबार से और आइनी एतबार से, दोनों एतबार से ये जो यूनिवर्सिटी है, ये बिल्कुल ये मुसलमानों का असासा है, मुसलमानों की ये दौलत है। और इसमें हमारा एक मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, माफ़ कर देंगे। और दूसरी बात है, ढाके में ये जो लोगो देख रहे हैं आप लोगों ने, इसमें लिखा हुआ है कि सत्यर जय सुनिश्चित, सम्भवतः এটাই তো সত্যের জয় শিক্ষায় আলো আছে, এর আগে ছিল সত্যের জয় সুনিশ্চিত, এটা কোরআনের একটা আয়াত থেকে নেওয়া, পাশাপাশি শিক্ষায় আলো হাদিসের একটি খণ্ড অংশ থেকে নেওয়া, আল ইলমু নূরুন, সেখান থেকে। তো যাই হোক, মানে যে হুকুম হুয়া হ্যায় ইসকো তামিল করতে হুয়ে, हमारा तो अशार नहीं है, दो चार है वो मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल सका। एक शेर में अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब की जाती है, उसको मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप लोग समझ जाएंगे होंगे। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, कांच पत्थर अथवा माटी रेटा ढेलर माध्यम में भेंगे जाए। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सिजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर,
वो सीखा तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया।